अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10.2 जरा देखिए। देखिए 10.2 क्या दे रखा है, बोल रहा है एक कार किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकंड में धरती पर आ गिरती है। परिकलन में सरलता के लिए जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए। पहला है कि धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी, दूसरा है 0.5 सेकंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी, तीसरा है धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है। ये क्वेश्चन सिंपल है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि कोई कार है, मतलब ये कगार है, मतलब आप ना ये ऐसे मान लीजिए खाई है, ठीक है ना, यहाँ से ये गिरता है और ये धरती फिर है। तो यहाँ से कोई कार गिरता है और 0.5 सेकंड में, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगता है वो 0.5 सेकंड का समय लगता है, ठीक है ना। बोल रहा है कि यहाँ पर जी का मान, जी के मान को बोल रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ले लीजिए। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, शुरुआत में ये कार ना रुकी हुई थी और इसीलिए प्रारंभिक वेग क्या होगा, जीरो, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। हमसे पहले में पूछा है कि धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी, मतलब यहाँ पर जब ये कार टकराएगी ना तो इसकी चाल क्या होगी, ये हमसे पूछा है। यहाँ पर देखिए दिया क्या क्या है, गिवन डाटा में अगर बात करें तो आपको क्या क्या दिया है, U की वैल्यू दिया है जीरो है, T की वैल्यू दिया है 0.5 सेकेंड है, ये है, G की वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है। यहाँ पर हमसे V की वैल्यू पूछ रहा है कि V आखिर कितना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो आप पहले समीकरण को लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर कोई भी चीज़ नीचे की तरफ आ रही है तो इसका सब कुछ, मतलब नीचे की तरफ आ रही है ना तो सबको पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन अगर एक नीचे आए, एक ऊपर जाए और एक नीचे आए तो एक को पॉजिटिव और एक को निगेटिव लेना पड़ेगा। अगर यहाँ की बात कर रहे हैं तो देखिए U की वैल्यू, अगर बात कर रहा है कि V पूछा है आपको कौन सा समीकरण यहाँ पर यूज़ करना चाहिए, तो गति का पहला समीकरण आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि V इज इक्वल्स टू होता है U प्लस जी की, A की जगह G और ये T, ये हमसे V की वैल्यू पूछा है, तो V बराबर U की वैल्यू कितनी दे रखी है जीरो और G की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो ये 10 लेंगे। देखिए नीचे की तरफ ही बात हो रही है इसीलिए हमने जी को प्लस में ले लिया है, और टाइम की बात कर रहे हैं 0.5, ये तो वी इज इक्वल्स टू जीरो प्लस 10 × 50 यानी कि 5 आएगा, यानी वी की वैल्यू आएगी 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हम ये बोलेंगे कि जो कार है ना वो धरती से जब टकराएगी तो ये टकराएगी 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। चलिए पहला पॉइंट बिल्कुल, पहला पार्ट बिल्कुल इजी था, सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं। बोल रहा है कि 0.5 सेकेंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी। अगर हम औसत चाल की बात करते हैं तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, बटे में दो, यानी कि U प्लस वी बाई टू, ये होता है। U की बात की जाए तो U की वैल्यू कितनी है जीरो दे रखी है, तो अब जीरो रखिए यहाँ पर। V की बात करें तो V की वैल्यू कितनी है फाइव, तो फाइव रखिए, और बाई टू डिवाइड करेंगे तो फाइव बाई टू यानी कि ये आएगा 0.2, ये आएगा 2.5, तो ये आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर हम गाड़ी के औसत चाल की बात करें तो ये आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं, इसी में थर्ड पार्ट की, इसको हम हटा देते हैं ना, ये आपको पता चल गया V की वैल्यू कितनी है 5। चलिए थर्ड पार्ट अपने से क्या दे रखा, पूछ रहा है कि धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है, यानी कि ये हमसे ऊंचाई पूछ रहा है कि कितनी ऊंचाई पर है, यानी कि हाइट,
ठीक है। अब देखिए ऊंचाई की बात कर रहा है, अगर गति के समीकरण में देखा जाए तो दो जगह दिया था, दूसरे समीकरण और तीसरे समीकरण में ऊंचाई की बात किया है। आप चाहें तो दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम चाहें तो दूसरा समीकरण यूज़ करें, तो यहाँ पर h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, ये बनेगा, ठीक है ना। h हमसे पूछा है, u की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू 0.5 है, तो 0.5 प्लस हाफ g की वैल्यू आप 10 देख रहे हैं और t की वैल्यू 0.5 का होल स्क्वायर, ये बनेगा, ठीक है ना। यहाँ से देखा जाए तो देखिए h बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, प्लस हाफ यानी कि 2 × 5 = 10 आ जाएगा। तो अब बचा 1 × 5 इंटू 0.5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0.5 × 0.5, ये होगा। यहाँ से जब करेंगे तो ये तो 0 हो गया, देखिए 25 × 5 = 25 और 25 × 25 सही है 125 आएगा। जब ये गुणा करेंगे तो 1.25 मीटर आएगा, यानी कि हम ये बोलेंगे कि कगार से जो ज़मीन की ऊंचाई है ना वो 1.25 मीटर के बराबर है। कहानी समझ में आई। तो देखिए ये क्वेश्चन इजी था, टफ बिल्कुल नहीं था, आपको आसानी से समझ में आ गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।